स्टूडेंट्स, आज मैं 36 साइज बोट नेक ब्लाउज की फॉर्मा कटिंग दिखाऊंगी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको बैक पार्ट काट कर लेना है, लंबाई लेना है। लंबाई आपको हमेशा अपने हिसाब से लेना है। यहाँ पे देखिए, मैं सिलाई मार्जिन लेके 15 इंच रखूंगी। तो आपके ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इसके बराबर सीधा मिला लेना है। उसके बाद शोल्डर लेना है। बोट नेक ब्लाउज पे जितना आपका शोल्डर होगा उसका हाफ लेना है। इसके साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए, मैं 7.5 इंच रखूँगी टोटल। फिर देखिए, यहाँ से आपको शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है। जिन लोगों का शोल्डर थोड़ा चौड़ा है, उन लोगों को यहाँ पे डाउन करने का ज़रूरी नहीं है। फिर देखिए, आर्म होल लेना है। आर्म होल यहाँ पे मैं 7 इंच रखूँगी। इसको सीधा मिलाना है। इसको नीचे की तरफ सीधा लेके जाना है। फिर ये जो पॉइंट है इसको सीधा कर लेना है। अभी छाती का चौथा हिस्सा लेना है, 36 का चौथा हिस्सा 9। अभी यहाँ पे 2.5 रखूंगी एक्स्ट्रा। अगर आपको अंदर की तरफ, ब्लाउज के अंदर की तरफ ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है, उस टाइम पे आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। अगर रेडीमेड करना है उस टाइम पे आपको 3 इंच लेना है। तो देखिए, जितना मैंने टोटल यहाँ पे लिया 11.5 इंच, यहाँ पे 1 इंच कम कर लेना है, 10.5 इंच रखूँगी। अगर किसी की कमर थोड़ा हेवी है उस टाइम पर 1/2 इंच कम लीजिएगा छाती के हिसाब से। अभी आर्म होल की गोलाई देना है। यहाँ पे देखिए, मैं 1/2 इंच पे रखूँगी। तो देखिए, बोट नेक ब्लाउज या कॉलर ब्लाउज पे हमेशा आप इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ से ये शेप लीजिएगा, तब देखिएगा बैक साइड का फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ से आपको जरूर नीचे की तरफ से लेना है। देखिए, यहाँ पे नेक का चौड़ाई आप कितना ले सकते हो, 4 इंच, 4.5 इंच या 5 इंच। तो यहाँ पे देखिए, मैं चौड़ाई 4 इंच लिया। अभी नीचे की तरफ कितना देना है, यहाँ पे मैं 3.5 इंच रखूँगी। तो बोट नेक पे अगर आपको अच्छा फिटिंग चाहिए नेक का, उस टाइम पे आप 3.5 इंच या 4 इंच लीजिएगा, 4 से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर बोट नेक पे डिप ज़्यादा होगा उस टाइम पे फिटिंग सबका कभी भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे नेक का जो फैब्रिक है ये फुला हुआ रहेगा, उठा हुआ रहेगा, फिटिंग चिपका हुआ नहीं रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 3.5 इंच या 4 इंच तक आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच लिया, इसको भी सीधा इस तरफ लेके आना है। फिर यहाँ से भी 4 इंच मिला लेती हूँ। दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो बोट नेक के सिले बोट की तरह थोड़ा शेप देना है। देखिए, इस तरह से शेप देना है। यहाँ पे देखिए, मैंने कितना लिया, 2 इंच लिया। अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है। अभी देखिए, यहाँ पे कमर पे टक्स कितना देना है, 5 इंच पे रखूंगी। ऊपर की तरफ देखिए, मैं 5.5 इंच उठाऊंगी। इसको सीधा ऊपर की तरफ लेके जाना है। और ये 1 इंच का होगा, इस तरफ 1/2 इंच और इस तरफ 1/2 इंच, दोनों साइड मिला के 1 इंच का होगा। अभी इसको काट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, फ्रंट पे हुक रखना है। तो इसके लिए हमें इस साइड पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमेशा आपको जब फ्रंट पे हुक होगा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर बैक साइड पे जाना है उस टाइम पे बैक साइड पे एक्स्ट्रा लेना है। इसको देखिए, इसके साथ बराबर हमें मिला लेना है। फिर देखिए, इस तरफ में 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो 1 इंच में एक्स्ट्रा क्यों रखूंगी, क्योंकि मैं इस तरफ और इस तरफ टक्स रखूंगी, जिसके कारण मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। इतना तक है मेन पॉइंट।
बोट नेक में फ्रंट और बैक का नेक का डीप और चौड़ाई बराबर रखना है, नहीं तो आपका फिटिंग्स अच्छा नहीं होगा। अब इसको हटा लेना है। तो बोट नेक पे देखिए, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आर्म होल के सिर्फ यहाँ पे आपको एक मेजरमेंट लेना है, जिसके लिए भी आपको ब्लाउज तैयार करना है उसका यहाँ पे फ्रंट साइड पे एक मेजरमेंट लेना है। अपर चेस्ट के थोड़ा ऊपर आपको एक मेजरमेंट लेना है, फ्रंट साइड इंच आपको सिर्फ फ्रंट साइड पे रखना है। रखने के बाद एक मेजरमेंट लेना है, तो किसी का 12 आता है, किसी का 12 1/2, किसी का 3 13 इंच, जिसका जितना आता है उसी हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। फ्रंट साइड पे आपको शेप जरूर देना है, नहीं तो फ्रंट साइड पे आपका बहुत ज़्यादा फुलान होगा। तो पहले देखिए, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ मैं। ये था बैक के लिए। अभी फ्रंट के लिए हमें देखिए यहाँ से लेना है मेजरमेंट, 1/2 इंच अंदर की तरफ मैं रखूँगी, 1/2। इसको इसके साथ मिलाना है तिरछा करके, ये पॉइंट आपका मेन होता है। अभी देखिए यहाँ पे शेप देना है, इस तरह से मिला के देना है। ये शेप अगर फ्रंट साइड पे नहीं होगा उस टाइम पे फ्रंट साइड पर आपका फिटिंग्स कभी भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। अगर आपको इस तरफ और इस तरफ टक्स नहीं देना है उस टाइम पे, यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा लिया ये ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे लीजिएगा। तो इस तरफ देखिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि मैं शेप थोड़ा ज़्यादा रखूँगी जिसके कारण मैं यहाँ पर 2 इंच दिया। इसको तिरछा करके इसके साथ मिला देना है, इस तरह से हो गया है। अभी देखिए यहाँ पर शोल्डर से हमें एक मेजरमेंट लेना है, प्रिंच स्कर्ट की तरह यहाँ से देखिए बस पॉइंट निकाल लेना है। नॉर्मली किसी का 9 1/2 इंच होता है, किसी का 10 इंच भी होता है, जिसका जितना है उसके साथ हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर देखिए 9 1/2 इंच होगा तब 10 इंच पे देना है, अगर 10 इंच होगा तो 10 1/2 इंच पे देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 10 इंच पे रखूँगी। फिर देखिए एपेक्स पॉइंट देना, तो एपेक्स पॉइंट क्यों देना है, यहाँ पर जो टैक्स होगा, टैक्स हमेशा आपको फुल बस्ट की मेजरमेंट करके यहाँ पर आपको टैक्स देना है। अगर आप फुल बस्ट की मेजरमेंट करके यहाँ पे टैक्स रखोगे तब आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छे से फिटिंग्स होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लाउज है 36, ये है अपर चेस्ट, अपर चेस्ट है। तो फुल बस्ट देखिए 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, आपके जितना है आप उसी हिसाब से इसमें लीजिएगा। तो नॉर्मली देखिए 3 इंच या 4 इंच का अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 40 रखूँगी, 40 को जितना आएगा उसको 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करने से यहाँ पे देखिए 4 इंच आता है। अगर 41 होगा उस टाइम पे 4.1 इंच होगा, 38 अगर होगा उस टाइम पे 3.8 होगा, 39 अगर होगा उस टाइम पे 3.9 होगा, इस तरह से मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ये मेजरमेंट रखूँगी 40, तो 40 के हिसाब से यहाँ पे 4 इंच आता है। देखिए मैं यहाँ पे 4 इंच पे निशाना रखूँगी, 4 इंच, इसको इसके साथ मिला देना है। यहाँ पे बिल्कुल मैं नीचे की तरफ सीधा लेके आऊँगी। यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिया है इसको छोड़ देना है, छोड़ने के बाद ही पूरा मेजरमेंट लेना है। अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है। फिर देखिए भाई टैक्स कितना देना है, आप यहाँ पे 2.5 इंच भी ले सकते हो, 3 इंच भी ले सकते हो। अगर किसी की फुल बस्ट बहुत ही कम है उस टाइम पे आप इस तरह से 2 इंच भी ले सकते हो, 2 इंच। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 इंच रखूँगी, 1 1/2 1 1/2, इसको इसके साथ मिलाना है। टैक्स हमेशा आपको फुल बस्ट के हिसाब से देना है। अभी देखिए इसके हिसाब से सीधा करके मैं यहाँ पे एक टैक्स रखूँगी। इस तरह से देने से फिटिंग्स अच्छा होता है, 2.5 इंच तक लेकर आऊँगी। और यहाँ पे 1 इंच का होगा 1/2 इंच 1/2 इंच, दोनों पॉइंट को मिलाना है। ये हो गया, यहाँ पे आपको साइड पे लेके आना है इस तरह से। फिर देखिए यहाँ से भी हमें एक टैक्स देना है, नहीं तो फ्रंट साइड का हल्का सा फुलान होगा, तो ये टैक्स आपको जरूर देना है। अगर नेट फैब्रिक होगा उस टाइम पे देने का जरूरी नहीं होगा, नॉर्मल फैब्रिक पे आपको यहाँ पे टैक्स देना है। यहाँ से देखिए मैं 5 इंच पे रखूँगी, इसको इस तरफ लेके आना है।
4 इंच तक देना है। और इसमें देखिए हाफ इंच देने से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सिलाई करते वक्त इस तरफ आने के बाद थोड़ा चौड़ाई करके इस तरह से चौड़ाई में आपको ये सिलाई देना है। पहले हल्का सा लेना है, उसके बाद चौड़ाई में देना है, तब देखिएगा आर्म होल की साइड, फ्रंट आर्म होल साइड पे जो हल्का सा फेब्रिक रहता है वो नहीं रहता है, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से रखूँगी मैं 5 इंच, इस तरफ लेके आना है। सेवन इंच यहाँ पे भी हमें 1 इंच का देना है, इस तरफ हाफ इंच, इस तरफ हाफ इंच, जितना नीचे की तरफ एक्स्ट्रा होगा उसी हिसाब से यहाँ पे टैक्स होगा। ज़्यादा फैब्रिक होगा तो ज़्यादा करके यहाँ पे टैक्स देना है, अगर यहाँ पे कम फैब्रिक होगा उस टाइम पे यहाँ पे छोटा करके देना है। ये हो गया है, अभी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कटिंग कंप्लीट हो गया है। इस तरफ देखिए इस तरह से होगा, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी पहले काट सकते हो। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये होगा, ऐसे सिलाई के बाद इस तरह से रहेगा यह, यहाँ पे आप पहले मिला सकते हो। तो आस्तीन के लिए देखिए मेजरमेंट कैसे लेना है, आस्तीन का चौड़ाई का शोल्डर से यहाँ पे रखना है। तो इस तरफ देखिए 9.5 इंच से 9 इंच से 2 सूत कम हुआ है, तो जितना आया है उससे मैं हाफ इंच ज़्यादा रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 9 इंच से 2 सूत ज़्यादा रखूँगी, जब भी बूट नेक या कॉलर ब्लाउज़ हो तो आपको हाफ इंच ज़्यादा लेना है मेन मेजरमेंट से। अगर डीप नेक होता है उस टाइम पर आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 9 इंच से मैं 2 सूत ज़्यादा रखूँगी। सबसे पहले लंबाई लेती हूँ यहाँ पर 6.5 इंच, और चौड़ाई देखिए यहाँ पर मैं 9 इंच से 200 ज़्यादा रखूँगी, इसको बराबर लेके आना है। फिर देखिए यहाँ से कितना नीचे की तरफ लेके आना है, यहाँ से देखिए मैं 4 इंच नीचे की तरफ लेके आऊँगी। ये आप चाहो तो 4 इंच भी ले सकते हो, थोड़ा सा कम भी ले सकते हो, मैं डायरेक्ट 4 इंच रख दूँगी। फिर यहाँ से देखिए मैं 2.5 इंच रखूँगी, ये जो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ ये फिटिंग के साथ इसका कोई भी मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे 2.5 इंच सिर्फ शेप देने के लिए लेती हूँ, इसका और कोई कारण नहीं है। फिर देखिए फ्रंट के लिए आपको जरूर यहाँ पे शेप देना है, लगभग हाफ इंच का शेप यहाँ पे देना है। शेप देने के बाद यहाँ पे आपको जरूर मिला के देना है, दोनों फैब्रिक बराबर होना है। देखिए कंप्लीट हो गया है, इसको भी सीधा नीचे की तरफ लेके आना है, इस तरह से इसको रख दूंगी। थोड़ा सा प्रिंसेस कट की तरह ये शेप ऊपर की तरफ उठेगा। आप बहुत ही इजीली इस तरह से बोट नेक के लिए फॉर्मा खुद ही घर पे तैयार कर सकते हो, कोई भी साइज़ का हो आप अलग अलग तरीके से इसको काट के घर में तैयार करके रख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बोट नेक के लिए फॉर्मा काट करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है आप हमें जरूर कमेंट में बोल सकते हो, मैं दूसरा वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगा दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।